हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अप ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ पोलनाउस फ्लो पार्ट बी। पिछली क्लास में अपन ने पार्ट ए और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट बी है, वो आपका पार्ट ए था। इसमें न्यूमेरिकल्स है, ये आपके बुक का न्यूमेरिकल गिवन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 m, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 m, दैट इज द कंसेंट्रेशन गिवन है इसकी मिथेनोइक एसिड की, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 46.1 ओम इनवर्स। बट ध्यान रखना है यहाँ पर कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए आपको सिंपली तो वो सीमोस देता है, और सीमोस इक्वल होता है किसके, ओम इनवर्स। ठीक है, ये इक्वल होता है किसके, महू के। महू कभी नहीं देगा आपको, ये इक्वल होता है आपके सिंबल भी दे सकता है, ये ओम का सिंबल है, तो ओम इनवर्स ऐसे भी सकता है, ओम इनवर्स ऐसे भी सकता है, और इसकी जगह सिमोस भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा इन्फिनिट एच प्लस इक्वल टू 349.6 सिमोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा इन्फिनिट एच सी डब्ल्यू माइनस इक्वल टू 54.65 सिमोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है, सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन गिवन है कितनी 0.025 m लिखो या मोल पर लीटर लिखो, बात एक ही है, राइट? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल एम मीन्स मोल पर लीटर मोलेरिटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इनफाइनाइट, सॉरी ओनली मोलर कनेक्टिविटी, ध्यान देना चीज को। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, इस कंसेंट्रेशन पे, राइट? तो यहां पर अपन क्या यूज नहीं करेंगे, इनफाइनाइट यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर मैंने यूज कर लिया लैम्डा एच सी डब्ल्यू एच, दैट इज द मिथेनोइक एसिड इक्वल टू कितनी है 46.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस इक्वल टू 349.6 सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कन्फ्यूज मत होना, दिस इज द सेम, लैम्डा इनफाइनाइट एच सी डब्ल्यू माइनस इक्वल टू 54.65 सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? नाउ वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज द अल्फा। क्लियर बेटा? देखिए अब इसका अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए, अल्फा जो अपन ने पढ़ा था, दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोलनाउस फ्लो, और वहां पे अपने पास एक फॉर्मूला आया था, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम, यहाँ किसके रेफरेंस में जाएगी एच सी डब्लो एच, और यहाँ किसके रेफरेंस में जाएगी एच सी डब्लो एच। अब देखिए बेटा, यहां से अगर अपन अल्फा फाइंड आउट करते हैं तो अपन को क्या रिक्वायरमेंट होगी, एट गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, वो गिवन है आपको, दिस इज द लैम्डा एम ऑफ मिथेनोइक एसिड एट गिवन कंसंट्रेशन, एंड दिस इज द मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मिथेनोइक एसिड। अब अपने गिवन नहीं है, बट किसकी गिवन है, आयंस की गिवन है, किसी गिवन है बेटा, आयंस की गिवन है। तो यहां क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पोलनाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट एच सी डब्ल्यू एच इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एच सी डब्ल्यू माइनस, रख दो वैल्यू, लैम्डा इनफाइनाइट एच सी डब्ल्यू एच इक्वल टू 349.6 प्लस
54.65 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर लो इसको आप, देखो इधर 349.6 54.65 504.25 आ जाएगा 404.25 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड एंड लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ सॉरी लैम्डा एम ऑफ मेथेनोइक एसिड एंड लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ मेथेनोइक एसिड। तो नाउ यूज एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम इसका मेथेनोइक एसिड अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम एच सी डब्ल्यू एच। क्लियर? ये वैल्यू अपनों गिवन है, एल्फा इज इक्वल टू कितना रख देंगे 4.61 और ये वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली तो 404.25। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.114। दोनों मोलर कनेक्टिविटी है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, दिस इज द यूनिट लेस। ये आएगा अपना आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, राइट? अब यहां से एक और आपको दे रखा हूं फॉर्मूला, आप ध्यान रखना। ये तो था अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इससे अपन निकाल सकते हैं क्या, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। क्या निकाल सकते हैं बेटा? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। तो देखिए उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो क्या होता है, के इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा। सी एल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एल्फा। सी की वैल्यू गिवन है 0.025, एल्फा कितना है 0.114 का स्क्वायर अपॉन वन माइनस वन 0.114। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, ये आपको बुक में गिवन नहीं है, आएगा भी नहीं, बट कंपटीशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा कि इससे रिलेटेड है आपको ये। इसका अपना आंसर आ जाएगा 3.67 इंटू 10^-4 10^-4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सोल्व करके आप देख सकते हो के की वैल्यू आपकी बाय कंसंट्रेशन, क्योंकि अल्फा अल्फा तो क्या बचा अपने पास में कंसंट्रेशन, तो के क्या अपने पास में किस फॉर्म में आएगा, कंसंट्रेशन की फॉर्म में। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपको एसडब्ल्यू में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको सोल्व कीजिए। थैंक यू क्लास।